तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी बाइक या फिर फोर व्हीलर का आरसी डाउनलोड कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आरसी गुम हो गया है, ख़राब हो गया, टूट गया, फूट गया, कुछ भी हो गया हो, यानी आप आरसी डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको बहुत ही आवश्यकता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, कहीं भी स्किप ना करें। अगर स्किप कर देते हो तो हो सकता है कि आपको अपना आरसी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखते रहना है, ठीक है। तो आरसी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑलरेडी, आप चाहें तो वहां से क्लिक करके आ सकते हैं, या फिर अभी जैसे मैं बताते जा रहा हूं ए टू जेड पूरी जानकारी दे रहा हूं, आपको इसी तरह से फॉलो करते जाना, ठीक है। तो इसके लिए आरसी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, यहां सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। उसके बाद घंटे पर प्रेस करके आर पर सेट कर दें, जिससे क्या होगा हमारी आने वाली और भी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में जा करके एक प्यारा सा कमेंट लिखेंगे वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं आरसी डाउनलोड कैसे करें। वीडियो सेक्शन में जा करके और भी वीडियो पड़ी हुई है, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बने, आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें, आधार कार्ड गुम हो गया है अप्लाई कैसे करें, बहुत सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं, तो आप जाकर चेकआउट जरूर करें। तो आइए जानते हैं आरसी डाउनलोड कैसे करें। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बहुत समय ले लिया, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो आप गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे परिवहन, उसके बाद ये पहली सर्च जो है परिवहन सेवा, इसे ओपन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ थ्री लाइंस देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप व्हीकल रिलेटेड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद आप सेलेक्ट स्टेट नेम पर क्लिक करके आप जिस भी राज्य से निवासी हैं उस राज्य का चुनाव कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में ये पेज का लिंक दे दिया है, आप चाहें तो आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना ये जो देख पा रहे हैं इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ। आप जिस गाड़ी का नंबर यानी अपनी गाड़ी का नंबर यहाँ पर आप डालेंगे, उसके बाद सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करके अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट RTO क्लिक करके आप जो है किस आपका RTO क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी गाड़ी का नंबर डालूंगा, ये सारी डिटेल फिल करके प्रोसीड करते हैं। उसके बाद आगे प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ, तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद आप प्रोसीड कर देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कट कर देंगे ऊपर जो है, थोड़ी देर वेट करते हैं। यहाँ पर आपको प्रोसीड जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये जो प्रोसीड देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन नज़र आ जाएगी, यहाँ पर फिर से आपको ये जो ऊपर देख पा रहे हैं तीन लाइन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे सर्विसेज, यहाँ आप सर्विसेज देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में आपको एडिशनल सर्विसेज दिखाई देगा, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, एडिशनल सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट मोबाइल नंबर, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर सेल्फ बैकलॉग, एंड नोन योर व्हीकल डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है जो चौथे नंबर पर दिखाई दे रहा है आपको, एंड नोन योर व्हीकल डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और यहाँ पे CHS नंबर, यहाँ पे इंजन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आपकी गाड़ी का नंबर जो भी होगा वो गाड़ी का नंबर डालेंगे, यहाँ पर CHS नंबर डालेंगे, इंजन नंबर डालेंगे। अगर आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी का CHS नंबर या इंजन नंबर नहीं पता है आपको, तब आप कैसे सर्च करेंगे या कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पता कर सकते हैं CHS नंबर इंजन नंबर कैसे देखें, ठीक है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद कैप्चा फिल करें, उसके बाद वेरीफाई डिटेल जो देख पा रहे हैं नीचे, इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं सारी डिटेल फिल करके आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। अब यह पूरा डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करेंगे, जो देख पा रहे हैं आप वेरीफाई डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ जनरेट OTP दिखाई देगा, और आपका एक नंबर जो कि आपके RC यानी आपकी बाइक से या फोर व्हीलर से अटैच होगा, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ जनरेट OTP पर क्लिक करके आप OTP के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, यानी आपके पास एक OTP आएगा, तो आप उस OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे इस बॉक्स में, ठीक है।
जैसा कि अभी मेरे स्क्रीन पर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अभी आप यहां देख सकते हैं आपकी बाइक का पूरा डिटेल यहां शो हो जाता है। यहां पे आप प्रिंट पर क्लिक करके अपना आरसी आसानी पूर्वक डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। यहां प्रिंट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से। अभी आप यहां देख सकते हैं ये पीडीएफ में ले जा रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। अब आप यहां जो देख पा रहे हैं ऊपर ये वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ वाले आइकन पर, और आप इसे कुछ इस तरह से डाउनलोड कर लेंगे। यहां पर सेव कर लेंगे। यहां देख सकते हैं यहां सेव का एक बटन दिखाई देगा आपको, यहां देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पीडीएफ है आपके मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप जो भी जिसमें भी आप ये आरसी डाउनलोड कर रहे हैं आसानी पूर्वक वहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।